अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसमें मैं अल्लामा इकबाल के चंद मशहूर इशार जो है वो ऐड करूंगी, ऑलमोस्ट 30। और ये वो इशार होंगे जिसमें से आई थिंक सो कम अज़ कम आपको 25 तो ज़रूर आते होंगे। ये इशार याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इंटर या मैट्रिक में या बैचलर लेवल पर एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ज़रूर रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उर्दू में कोई एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, या आप इकतबास की तशरीह कर रहे हैं, या फिर आप लोग गज़ल या नज़म की तशरीह कर रहे हैं, या आप लोग पाक स्टडी का कोई सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन है उसमें पाकिस्तान के हवाले से, या इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस्लामियात जो है, इस्लामियात के सब्जेक्ट में भी आप अल्लामा इकबाल के कुछ इशारे ऐड कर सकते हैं के हवाले से। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप लोग जो है इसे इस लिस्ट को एक जगह नोट डाउन कर लें और वो अपने पास सेव कर लें, जब आप एग्ज़ाम्स दें, मिड टर्म दें, फाइनल दें, प्री बोर्ड से और या बोर्ड के पेपर दें, तो पेपर देने से पहले ये जो उर्दू का सब्जेक्ट है कोई भी, चाहे उर्दू का है, चाहे पाक स्टडी या इस्लामियात है, तो एक बार उसे एग्ज़ाम से एक दो घंटा पहले एक दफ़ा जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो ताकि रेफरेंस आपके जहन में रहे और आप किसी क्वेश्चन में ऐड कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी इशार है और ये आप लोगों को आते हैं, लेकिन जो है क्विकली माइंड में उस टाइम नहीं आते, इसलिए आप एग्जाम से एक दफ़ा पहले जरूर रिवाइज कर लेना और इसे एक जगह नोट डाउन कर लेना। स्टार्ट करते हैं, मैं अब लिखती जा रही हूँ। तू शाहीन परवाज काम है तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना। इनमें से काफी आप लोगों को पहले से ही आते होंगे, लेकिन जस्ट एक लिस्ट बना के अपने पास सेव कर लें और हर दफा एग्जाम से पहले एक दफा गो थ्रू कर लिया करें, ताकि आप रेफरेंस में इनको यूज कर सकें।